भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की है, सरसों की खरीद का मुआवजा मिले, ये यहां से मांग उठाई गई। 3 तारीख से चक्का जाम होगा, यानी कि 3 जून से ये चेतावनी दी गई है कि वो चक्का जाम कर सकते हैं, सड़कों पर जाम लगा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है भारतीय किसान यूनियन के, सरसों की खरीद के टोकन में घोटाले की जांच हुई है कहा गया है। इससे पहले आपने कई खबरें देखी होंगी कि टोकन दे दिया गया था, सरसों की जो खरीद है वो कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो खरीद की गई थी सरसों की, उसे वापस किसानों को लौटाने की बात कही अधिकारियों ने कि आप उसे ले जा सकते हैं। और 3 जून से चक्का जाम करने की अब चेतावनी भी दे दी गई है। खुद ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, लोहारू से बहल में भारतीय किसान यूनियन ने ये बड़ी मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष है रतन मान, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस महापंचायत को लेकर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सरसों खरीद के टोकन में घोटाले की जाँच हो, ये लगता है भारतीय किसान यूनियन को कि इसमें कोई घोटाला है। बचे हुए सरसों की खरीद सरकार 2 जून तक करे, ये भी कहा गया है। अब इस पर क्या सरकार को जवाब देगी या नहीं देगी, ये तो समय बताएगा। नहीं करने पर 3 जून से चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है, तो देखना होगा कि सरकार तक क्या इसका असर होता है। जो चेतावनी, जो धमकी एक तरह से लहजे में दी गई है यहाँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। महासिंह चौराण है ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अब तक संवाददाता महासिंह, और क्या क्या महापंचायत में बड़े फैसले लिए हैं जिस पर ये कह सकते हैं कि सरकार को चेताने की बड़ी कोशिश है। कमल, देखिए अब राज भाग्यू के बंदर एक महापंचायत बहल के अनाज मंडी में किसानों द्वारा की और इसको प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंचायत को संबोधित किया और यह फैसला लिया गया है। जो किसानों के सिस्टम खरीद में टोकन जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की मांग कर वहाँ मौके पर तहसीलदार ने पहुंचकर उसके सिस्टम द्वारा जांच का आश्वासन दिया है। उसके बाद जो किसान रह चुके जिनकी सिस्टम की बिक्री नहीं हुई है, जिनके टोकन नहीं कटे हैं, उनको 2 जून तक अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो 3 जून को चक्का जाम की उन्होंने चेतावनी दी। इसके अलावा काफी मांगे हैं किसानों की, वो भी इनमें शामिल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है महासिंह चौराण। और ये भी देखना होगा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो अगली रणनीति क्या होगी भारतीय किसान यूनियन की।